आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फिगर, ध्यान दीजिएगा कि इफ इफ वी ए इक्वल टू पोटेंशियल, पोटेंशियल कह लो या वोल्टेज कह लो कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी कभी वोल्टेज भी यूज कर देते हैं वर्ड, वोल्टेज एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं, अल्टरनेटिवली यूज हो जाता है पोटेंशियल ऑफ वोल्टेज ऑफ पॉइंट ए एंड वी बी क्या है, वी बी वोल्टेज पोटेंशियल या वोल्टेज ऑफ पॉइंट बी, अगर ए का पोटेंशियल वी ए है और बी का पोटेंशियल वी बी है तो हमने जाना कि वोल्टेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ रेसिस्टर, यानी कि ए का वोल्टेज ज्यादा है और बी का वोल्टेज कम है, यानी कि जो मैं वी इक्वल टू आई आर लिख रहा हूं, ए और बी के बीच में जो वोल्टेज है, ए और बी पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज ड्रॉप है, कितने से वोल्टेज घटा होगा, पहले वोल्टेज वी ए था, ए पे वोल्टेज वी ए था, घट के हो गया वी बी, तो हाउ मच डिक्रीज है, डिक्रीज हैज अकर्ड बाय वी ए माइनस वी बी, तो इसी वी ए माइनस वी बी को आप वी कहते हैं, इसी को नाम वोल्टेज दिया है, दैट विल बी इक्वल टू आई आर, सो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू आई आर, उसी को आप वी कहते हैं, वी ए माइनस वी बी इज कॉल्ड वी, वी इज द वोल्टेज अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द रेसिस्टर, है ना, दिस विल बी हाई वोल्टेज, दिस विल बी लो वोल्टेज, इधर जाएगा तो करंट, अगर इधर जाएगा तो है ना, तो हाई वोल्टेज है ना, वो चीज है, ऐसा नहीं हो सकता कि करंट इधर जाए और बी हाई वोल्टेज हो जाए, ऐसा नहीं होगा, है ना, वो तो जैसा करंट का डायरेक्शन होगा उसके हिसाब से वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टर होगा, ठीक है बेटा, चलो नोट कर लो, प्लीज डू दिस पॉइंट, वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टर, कम ऑन डू इट, इसी सर्किट को मैं ऐसे दिखा सकता हूं चाहूं तो, है ना, अगर आप पूरा सर्किट दिखाना चाहते हैं, ये मान लो आर रेसिस्टेंस हो गया, ये पॉइंट ए हो गया बेटा, ये पॉइंट बी हो गया, तो मैं ऐसे बैटरी लगा दे रहा हूं, बिल्कुल ऊपर जैसा ही है, ये पॉजिटिव या निगेटिव, तो ये हाई वोल्टेज हो गया, ये लो वोल्टेज, तो करंट हमेशा हाई से लो वोल्टेज जाता है, तो करंट ऐसे जाएगा क्लॉक वाइज, है ना, तो करंट जाएगा क्लॉक वाइज, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस सर्किट, है ना, तो वी ये वोल्टेज कितना हो गया, हाउ मच इज दिस वोल्टेज, दिस वोल्टेज इज वी, सो वी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज, दैट विल बी इक्वल टू आई आर एज पर ओम्स लॉ, कम ऑन नोट इट डाउन, सो नाउ आई थिंक दिस पॉइंट इज क्वाइट क्लियर टू यू ऑल, प्लीज नोट इट डाउन, डायग्राम जरूर बना लीजिएगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, सो प्लीज ऑल्सो, यहां तक हो गया, एक क्वेश्चन दूं बेटा, एक क्वेश्चन देता हूं,
हो गया बेटा डन। ओके ओके मैं ऊपर का रब कर देता हूं सो दैट आई कैन राइट अ क्वेश्चन। Let me write a question now. देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा। If R1 and R2 equal to 100 ohm, R1 कितना है बताया नहीं है, R2 for सेम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस देम द करंट इन आर वन एंड आर टू इज इन द रेशियो ऑफ 1:2 देन फाइंड आर वन। इसको करो इजी सा क्वेश्चन है जल्दी बताओ आर वन क्या होगा। राइट डाउन द क्वेश्चन। Let me check apply the Ohm's law properly or not. करो सभी कोई करो बेटा V equal to IR पे ये क्वेश्चन है। दो रेजिस्टर है दोनों के सेम वोल्टेज दिए है सेम वोल्टेज में क्रॉस करंट 1:2 के रेशियो में है। कम ऑन डू इट। The 200 ohms is the correct answer in my opinion. Everyone do it. आ गया सबका बेटा? Answer is 200 ohm. Come on, do it. देखिए सभी को ध्यान दो V I R दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू अप्लाई। दोनों रेसिस्टर के क्रॉस वोल्टेज सेम है तो मान लो V इक्वल टू 200 आएगा बिल्कुल आएगा एंड V इक्वल टू I2 R2 दिस इज 1 एंड दिस इज 2। दोनों जगह V क्यों लिया क्योंकि वोल्टेज सेम कह रहा है क्वेश्चन में है ना तो दोनों को इक्वेट कर दो। देयरफॉर V इक्वल टू I1 R1 V इक्वल टू I2 R2 सो I1 R1 टू I2 R2 सो मेरा बेटा R1 निकालना है
आर वन निकालना है, आर वन हो गया आपको आई टू बाई आई वन इंटू, यहाँ करंट क्या कर रहा है वन इज टू टू, किसमें आर वन एंड आर टू में, यानी कि आपको आई वन बाई आई टू क्या दिया है वन बाई टू दिया है, इसका मतलब आई टू बाई आई वन क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, टू हो जाएगा ना, सो दिस विल बी टू इंटू हंड्रेड ओम, सो दिस विल बी 200 ओम है ना, सिंस आर वन इज टू आर टू, सॉरी आई वन इज टू आई टू, आई वन इज टू आई टू इक्वल टू वन इज टू टू, एंड दैट्स वाई यू कैन डू दिस 200 ओम, सिंपल है, आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरी वन। आगे बढ़ते हैं, चलो अगला क्वेश्चन देता हूं। सो ओम्स लॉ इज क्लियर टू यू, ये सॉल्यूशन सबको क्लियर है, कोई डाउट हो तो हेजिटेट मत करो, तुरंत पूछो है ना, एनीवन इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन। चलिए आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, द ग्राफ बिलो शोज द करंट वर्सेज वोल्टेज अक्रॉस अ रेसिस्टर, फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द, फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर, we have to find the resistance of the resistor. Now see, I am drawing the graph here. This is current and this is voltage. ये रहा, अब ये एंगल जो है, दिस एंगल इज सपोज कर लीजिए 60 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री, यू हैव टू फाइंड द फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस रूट थ्री ओम, रूट थ्री ओम, सोच लो है ना, सही भी हो सकता है गड़बड़ भी हो सकता है, ग्राफ देख लो, रूट थ्री नहीं होगा, वन अपॉन रूट थ्री होगा,
वन अपॉन, इसलिए कहा ना, सोच लो दोनों में कौन सा सही ऑप्शन है, मैं नहीं दिमाग लगा रहा है, आप ही को लगाना है, डिसाइड करिए रूट थ्री या वन बाई रूट थ्री। बोलो रूट थ्री होगा। देखो सभी को ध्यान दो इधर बेटा, वी और आई है ना, वी आई और आई है ना, आपके पास क्या है, सिंस वी टू आई आर, सो आर विल बी इक्वल टू वी अपॉन आई होता है आर, होता है। तो अगर कोई भी लोग है, मान लो यहाँ पे वी वोल्टेज, मान लो यहाँ पे वोल्टेज कुछ है वी है, उस वोल्टेज के लिए ये करंट कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, यानी कि ये वाला पार्ट आप देखोगे तो आई को रिप्रेजेंट करेगा, और ये वाला पार्ट जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, को रिप्रेजेंट करेगा, करेगा ना। तो हमें रेसिस्टेंस चाहिए, V बाई आई चाहिए। तो यहां अगर मैं देखूंगा तो सिंस R इक्वल टू V बाई आई, तो बेटा V क्या हो गया, ये V देख लो, अगर मैं यहाँ पे हो गया O A B है ना, ओ ए बी स्ट्रेट लाइन है, तो ओ ए बी स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे हमारा वी बाई आई, तो वी बाई आई हो जाएगा आपका ओ बी डिवाइडेड बाई ए बी, ओ बी, ओ बी इज बेस, दिस इज बेस है ना मेरा बेटा, एंड दिस इज परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो दिस इज कॉट 60 डिग्री, तो कॉट 60 डिग्री इक्वल टू वन बाय रूट थ्री ओम है ना बेटा। सो सेकेंड टाइम में जो आप बताया था सही आंसर बताया था, ओके सो थोड़ा सा ध्यान रखना है तब आंसर में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना, नहीं तो यही कंफ्यूजन एग्जाम में, वन बाय रूट थ्री या रूट थ्री, रूट थ्री या वन बाय रूट थ्री, इस कंफ्यूजन में निगेटिव मार्क्स आ जाएगा, है ना, सो बी केयरफुल। चलो देखो, समझा बेटा, नोट कर लो इसको। तो ये चीज यहां से आप एक चीज जानते हैं कि सिंस v इक्वल टू आई आर, ये है ओम्स लॉ में, ओम्स लॉ का स्केलर फॉर्म, तो ओम्स लॉ यानी प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा फॉर अ कांस्टेंट, फॉर अ एनी रेजिस्टेंस, यानी किसी रेसिस्टर के अक्रॉस कोई रेसिस्टर दिया हुआ है उसके अक्रॉस अगर मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो करंट भी प्रोपोर्शनली बढ़ेगा, है ना। इसको ऐसे कंडक्टर को हम ओमिक कंडक्टर कहते हैं, जहां पे ये प्रोपोर्शनलिटी ट्रू होती है, तो V प्रोपोर्शनल टू I, और यू कैन राइट यहां लिख सकते हैं कि R इक्वल टू V बाई I, यानी कि स्लोप ऑफ V I ग्राफ, तो V I यहाँ I V ग्राफ है, देखो I और V है, तो अगर इधर V होता तो आपका ये बात सही होता स्लोप, समझे सुजल, ध्यान दीजिएगा, अगर इधर है, अगर ऐसे वी आई ग्राफ है, वी आई ग्राफ है, अगर ये थीटा एंगल है तो रेसिस्टेंस आपका हो जाएगा 10 थीटा, लेकिन आई वी ग्राफ में 1/10 थीटा यानी कि कॉट थीटा हो जाएगा, क्लियर है, बोलो समझा, इस बात को ध्यान रखो आप लोग सभी, कोई सारे बच्चे ध्यान रखिए। सो वी आई ग्राफ है, अगर वोल्टेज और करंट का ग्राफ है तो V ऊपर है वर्टिकल एक्सिस पे, I इधर है, तो 10 थीटा से आपको मिलेगा, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ऐसे कंडक्टर को हम क्या कहते हैं, ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर है ना, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता ना बेटा, रेजिस्टेंस एक्चुअली क्या है, देखो ओमिक कंडक्टर में भी अगर आप हीटिंग करेंगे ना, तो मतलब ज्यादा देर करंट जाएगा हीटिंग होगा, हीटिंग से रेजिस्टेंस चेंज होगा, लेकिन वो क्या है कि अचानक से नहीं चेंज होता है ना, इसीलिए वैसे ऑब्वियसली बात है टेंपरेचर डिपेंडेंट है, इफ यू कैन मेंटेन द टेंपरेचर देन इट वोंट चेंज, है ना, इट वोंट चेंज, सही बात है, यानी कि हम अलग अलग करंट के लिए अलग अलग करंट के लिए अलग अलग वोल्टेज नहीं, मतलब सॉरी अलग अलग करंट और अलग अलग वोल्टेज को प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, यानी कि इस तरह से आप अलग अलग पॉइंट को प्लॉट करेंगे उसके जब उसको ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आएगा, तो ऐसे कंडक्टर को हम ओमिक कंडक्टर कहते हैं,
वो चीज है। तो बिल्कुल आपका ग्राफ जब प्रैक्टिकल आप करोगे, इवन आई विल गिव यू द प्रैक्टिकल, है ना, प्रैक्टिकल यहाँ पे करवाएंगे ओम्स लॉ पे, तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट में, तो आप लोग देखोगे कि जो कंडक्टर है अगर हम उसको लंबे समय तक करंट उससे फ्लो कराए तो ओम्स लॉ को करता है। और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि अगर ज्यादा समय तक करंट फ्लो करेगा तो हीटिंग हो जाएगा, और हीटिंग होने से ड्यू टू चेंज ऑफ टेम्परेचर द रेसिस्टेंस विल चेंज एंड इट वॉन्ट फॉलो द ओम्स लॉ। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि कोई ओमिक कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें लंबे समय तक करंट को नहीं फ्लो कराना। ऐसा नहीं कि हम सर्किट को ऑन कर दिया और छोड़ दिया, हम रीडिंग ले रहे हैं, कर रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, बैठे हुए हैं, अब बेचारे को गर्म होने के लिए छोड़ दिया, ऐसा नहीं छोड़ना है, है ना। आप स्विच ऑन करिए, स्विच ऑफ करिए, बस इतना काम। फिर जब दूसरा रीडिंग लेने के लिए स्विच ऑन करिए, वोल्टेज चेंज करिए, स्विच ऑफ करिए, रीडिंग लीजिए, स्विच ऑफ करिए, मतलब 10 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड के लिए रखना है। फिर उसको ठंडा होने दीजिए, स्विच ऑन करिए, स्विच ऑफ, मतलब हीटिंग नहीं होने दे। अगर हीटिंग ना होने दें या टेम्परेचर कंसिडरेबली ना चेंज हो, ज्यादा चेंज ना हो टेम्परेचर, फिर ओमिक कंडक्टर भी, मतलब ओम्स लॉ को कंडक्टर फॉलो करेगा, और जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करेगा उसको ओमिक कंडक्टर। अगर नॉन ओमिक कंडक्टर है, समझो नॉन ओमिक कंडक्टर है, यानी कि जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि अलग अलग करंट के लिए अलग अलग वोल्टेज आपको आएगा। सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, वोल्टेज तो अलग अलग आएगा ही, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, अलग अलग करंट और अलग अलग वोल्टेज के लिए जो ग्राफ प्लॉट होगा वो एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं, है ना, अलग अलग रेजिस्टेंस भी ना आएगा सर। हाँ वही बात है ना, तो स्लोप बदल जाएगा ना, स्लोप टेन थीटा मीन्स, यानी कि आप क्या कह सकते हैं, यहाँ देख लो टेन थीटा का मतलब है इस लाइन का स्लोप, तो स्लोप नोट में इस बात को आप लिख लीजिए कि स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स द रेजिस्टेंस, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, आई वी नहीं वी आई ग्राफ गिव्स रेसिस्टेंस, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ रेसिस्टेंस। अब मुझे आप में से कौन बताएगा कि स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ अगर रेसिस्टेंस देता है, ध्यान से सोचना, मैं स्लोप ही पूछ रहा हूं, आई वी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, आई वी ग्राफ के स्लोप से कुछ मिलेगा क्या, क्या मिलेगा, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, समझे, कंडक्टिविटी तो रेसिस्टेंस हो गया ना बेटा, कंडक्टेंस क्या मिलेगा, 1/r, 1/r मिलता है ना। यहाँ स्लोप देखो cot थीटा आया ना, तो tan थीटा क्या देगा, 1/cot 60 देगा ना यहाँ, यानी कि 1/resistance, और reciprocal of resistance is conductance, reciprocal of resistivity is conductivity, conductance आएगा, ये बात समझा, बोलो सुजल, क्लियर बेटा, यस सर। हाँ तो याद रखिएगा स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स रेसिस्टेंस, और उसी तरह से आप दूसरे पॉइंट में नोट में लिख लीजिए स्लोप ऑफ, सभी बच्चे, ऑफ आई वी ग्राफ गिव्स कंडक्टेंस, स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ गिव्स कंडक्टेंस। कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, कोई कंफ्यूजन लगे तो अभी पूछ लो, लेकिन ना इन बातों को, v प्रोपोर्शनल टू i है, तो r इक्वल टू v बाई r हो गया ना, r इक्वल टू v बाई i हो गया, तो r इक्वल टू v बाई i हो गया, तो v बाई i जो होगा आपका tan थीटा हो जाएगा v i ग्राफ में, और i v ग्राफ में आएगा, यानी कि 1/r देगा, 1/r का मतलब स्लोप क्या देगा, है ना, स्लोप देगा, यहां देखो cot थीटा आया ना, cot 60, टेन थीटा क्या देगा, टेन सिक्सटी क्या देगा, यहाँ पे टेन सिक्सटी का मतलब हो गया 1/cot 60, 1/cot 60 मतलब 1/r, क्योंकि r इक्वल टू cot 60, तो 1/r मींस कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कंडक्टेंस, ये बात सबको क्लियर है, बोलो अनु, क्लियर है बेटा, अनु इज दिस क्लियर, यस सर, अर्पित, यस सर क्लियर है, आयुष, यस सर, अंशु,
यस सर देव यस द्रोन यस सर पीयूष यस सर रितिका यस सर राघव सुजल क्लियर है यहाँ तक सर क्लियर है चलिए नोट कर लीजिए तो सारी चीजों को नोट कर लीजिए प्लीज नोट इट डाउन क्वेश्चन आल्सो एंड द सॉल्यूशन आल्सो है ना चलिए इसको नोट करते हैं देखो मेरा बेटा प्रैक्टिकली मोस्ट ऑफ द कंडक्टर्स आर नॉन ओमिक कंडक्टर है ना प्रैक्टिकली मोस्ट ऑफ द कंडक्टर्स आर नॉन ओमिक कंडक्टर तो हम लोग नॉन ओमिक कंडक्टर के बारे में जानेंगे कि नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए कैसा ग्राफ आता है वी विल नो अबाउट दैट प्लीज नोट इट डाउन नॉन-ओमिक कंडक्टर नॉन-ओमिक कंडक्टर के लिए कैसा ग्राफ दिखेगा आपको वी वर्सेज आई का ग्राफ सॉरी वी वर्सेज आई का ग्राफ एक्चुअली ओमिक कंडक्टर होगा तो स्ट्रेट लाइन दिखेगा बिल्कुल इसको डॉटेड बना लेते हैं सो डॉटेड लाइन जो है ओम्स लॉ को फॉलो करने वाले कंडक्टर की बात कर रहा है सो डॉटेड लाइन इज टॉकिंग अबाउट ओमिक कंडक्टर है ना सो इट्स टॉकिंग अबाउट ओमिक कंडक्टर ध्यान दीजिएगा बेटा सो दिस इज ओमिक कंडक्टर है ना और अगर नॉन ओमिक कंडक्टर होगा तो क्या होगा कुछ दूर तक तो दिखाएगा लाइक दिस सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस इट विल बी वेरिंग इस तरह से डेविएट करेगा है ना सो सच कंडक्टर विल बी नॉन ओमिक कंडक्टर सो देयर विल बी डेविएशन विल बी शोन फ्रॉम द ओम्स लॉ लाइक दिस इसको बना दो चलो आप लोग रेजिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगा क्या चीज रेजिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगा क्या रेजिस्टेंस क्या बता रहे हो बेटा रेजिस्टेंस क्या हाँ रेसिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है ना रेसिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है
सेमीकंडक्टर का सर नेगेटिव हो जाएगा ना, क्या चीज? सेमीकंडक्टर का रेसिस्टेंस नहीं निगेटिव होता है, थर्मल कोफिशिएंट, थर्मल कोफिशिएंट, थर्मल कोफिशिएंट, हाँ यस सर। तो कहता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस घटता है, समझे? लेकिन निगेटिव रेसिस्टेंस नहीं होता है, समझा बेटा? थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी निगेटिव होता है, रेसिस्टेंस नहीं, इवन रेसिस्टिविटी नहीं निगेटिव होता है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी निगेटिव होता है, निगेटिव रेसिस्टेंस किसी भी मटेरियल का नहीं होता है, समझे? निगेटिव रेसिस्टेंस नहीं होता है, टेंडिंग टू जीरो रेसिस्टेंस हो सकता है सुपर कंडक्टर्स में अगर हम बात करें, निगेटिव नहीं हो सकता बेटा। ओके चलिए, हो गया आ गया, बताओ। आप अगर वोल्टेज निगेटिव करेंगे तो करंट का भी डायरेक्शन जो होगा वो रिवर्स हो जाएगा, है ना? वोल्टेज की पोलरिटी बदलेंगे, इधर से इधर कर दें, करंट भी इधर से इधर हो जाएगा, है ना? तो वही बात रहेगी, तो चेंज नहीं होगा, रेसिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। वोल्टेज की पोलरिटी निगेटिव करेंगे, करंट की भी पोलरिटी निगेटिव हो जाएगी, तो R इक्वल टू V बाई I हमेशा पॉजिटिव होगा। नोट इट डाउन, ये क्लियर हो गया? देखो सेमीकंडक्टर में अगर हम देखें, सेमीकंडक्टर मटेरियल की हम बात करें, है ना, वहां पर एक निगेटिव रेसिस्टेंस रीजन आता है, समझ रहे हो? जो निगेटिव रेसिस्टेंस की बात है कई जगहों पे आती है, तो इनकेस ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल निगेटिव रेसिस्टेंस रीजन एक आता है, जो कि जब आप सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे, है ना? वो एक अलग एबनॉर्मल प्रॉपर्टी है, गॉट इट? तो उसको हम जब आगे जानेंगे तब उसके बारे में जानेंगे, अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। दैट क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर वो नॉन ओमिक हो गया, एक तरह से नॉन ओमिक हो गया, मतलब ओम्स लॉ को फॉलो सेमी कंडक्टर भी नहीं करते हैं, है ना? इवन द सेमी कंडक्टर मटेरियल्स डू नॉट फॉलो द ओम्स लॉ, सो व्हाई निगेटिव रेजिस्टेंस इज ऑब्जर्व्ड इन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, कुछ रीजन के लिए, है ना, किसी वोल्टेज और करंट के कॉम्बिनेशन के लिए, वो क्या होता है वो हम लोग बाद में बात करेंगे। आइए, तो वहां पे जो हमने ये थ्योरी डिफाइन किया है, जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला, इस तरह से मटेरियल वाला, वहां पे थोड़ा बदल जाता है, अलग चीज होती है ना? तो चूंकि कॉन्सेप्ट ही अलग हो जाता है, तो वहां पर रेसिस्टेंस को डिफाइन करने का तरीका बदल जाता है, तो हम लोग उसको अभी हम लोग बिल्कुल इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। वैसे भी इस साल वो सिलेबस से हट गया है, सिलेबस से, है ना, जो अभी 11th में है बच्चे, उनके सिलेबस अगले साल आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नॉन ओमिक कंडक्टर के बारे में हमने जाना, वन ऑफ द नॉन ओमिक कंडक्टर, इवन Semiconductors are also non-ohmic materials. They are not conductor, but they are non-ohmic materials. है ना? कोई भी semiconductor या semiconductor device, जैसे diode हो गया, transistor हो गया, है ना? Semiconductor chip हो गया, all of them are non-ohmic nature. Means V equal to I R वहाँ भी follow नहीं। आओ।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो बैटरी की बात करते हैं हम लोग, सेल सेल एंड बैटरी, ये क्या होता है? सेल क्या है? अ सिंगल यूनिट है ना, डिवाइस, अ यूनिट डिवाइस दैट कैन मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस टू टर्मिनल ऑफ अ सर्किट, इट्स कॉल्ड सेल। सर्किट क्या होता है अभी सेल के बाद जानेंगे, है ना। तो देखो अ डिवाइस दैट कैन मेंटेन कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब बेटा क्या हुआ? वोल्टेज। आई हैव रिपीटेड इट मेनी टाइम्स, मैं बार बार इस चीज पे इंफेसिस दे रहा हूं, आप लोग इसको दिमाग में बैठा लीजिए, है ना। वोल्टेज मींस पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मींस वोल्टेज, एक ही चीज है, है ना। अ डिवाइस कैन मेंटेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू ऑफ अ सर्किट It's called between two points of a circuit. It's called a cell, है ना? चलो, वैसे जो बच्चे हैं 12th में वो केमिस्ट्री में आगे पढ़ने वाले हैं, गैल्वानिक सेल, वोल्टेइक सेल, है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू होने वाली है तो वहां पर वो लोग पढ़ेंगे, है ना बेटा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने सेल्स के बारे में पढ़ा, दीज आर सम फंडामेंटल सेल्स, और इन सेल्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, लाइक लार्ज सेल, बहुत तरह के आते हैं। तो जो कॉम्बिनेशन है, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। बैटरी का मतलब क्या हुआ? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेल को हम सीरीज पैरेलल या सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन में लगा लें तो उसे हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं, समझे। तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे, अभी बस नाम पढ़ेंगे। तो पहले तो रेसिस्टेंस का सीरीज पैरेलल जानोगे, फिर बैटरी का सीरीज पैरेलल जानोगे, है ना। सो अ डिवाइस दैट कैन मेंटेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्टेज बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्किट इज कॉल्ड अ सेल। एक सिंगल सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सर्किट रिप्रेजेंटेशन, सर्किट डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल। सेल का रिप्रेजेंटेशन बड़ा सिंपल होता है बेटा, ऐसे, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन, लाइक दिस। बहुत बार बनाना, एक ही बार बनाना, ठीक है। ये सेल मान लीजिए, ये हो गया रियल सेल। आप लोग दो तरह, सॉरी आइडियल सेल, दो तरह के सेल के बारे में पढ़े। आइडियल सेल एक हो गया, ये तो आइडियल सेल हो गया, दूसरा होता है रियल सेल। तो रियल सेल क्या होता है? रेसिस्टेंस कहीं पर भी दिखा सकते हैं, आगे या पीछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां दिखाओ रेसिस्टेंस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, है ना, बात बराबर है, ओके। सो दिस इज, ये जो रेसिस्टेंस है किसका रेसिस्टेंस है? हमने कोई रेसिस्टेंस नहीं लगाया है, सेल में अंदर से रेसिस्टेंस, अपना रेसिस्टेंस है सेल का, ठीक है बेटा। इस सेल का E से लिखेंगे हम EMF, so here E is EMF, है ना। EMF क्या होता है ये भी हम लोग आज जानेंगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका क्या मतलब होता है जानेंगे। R is called internal resistance, internal का मतलब आप समझ रहे हैं, internal का मतलब अंदर का, सेल का ही जो रेसिस्टेंस है। इंटरनल मतलब सेल के अपने मेटेरियल के कारण, जिन मेटेरियल से सेल बना हुआ है उसका जो अपना रेसिस्टेंस है, that will be called internal resistance of the cell. इस बात को ध्यान रखिएगा। So R is the internal,
हाँ, पर जैसे आप बैटरी खरीदते हैं ना, अगर हम उस बैटरी की बात देख लो, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, दिस इज ऑफ द बैटरी एंड दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिस इज द, ऐसा रहता है ना बैटरी, याद करो। तो उसका अंदर में बेस सिंपल स्ट्रक्चर क्या हो गया, उसका कुछ EMF होगा और उसका कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, है ना। सो दिस इज माइनस, देखो तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, है ना। और ये आइडियल सेल हो गया, आइडियल सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस जीरो। तो आइडियल सेल का मतलब क्या हो गया, आइडियल का मतलब जो भी चीज आइडियल का हो, मतलब वो प्रैक्टिकली नहीं पाया जाता, नहीं कोई भी चीज आइडियल जो है, आइडियल मतलब 100% हो गया, है ना। अगर मान लो आप मुझे कहोगे सर यू आर एन आइडियल टीचर, तो आइडियल का मतलब मुझे सब कुछ आना चाहिए, अगर मुझे सब कुछ आएगा तो मैं तो ईश्वर बन जाऊंगा ना, भगवान बन जाऊंगा, ऐसा थोड़ी है। आई एम नॉट गॉड, स्टिल आई एम अ ह्यूमन बीइंग, है ना, वो चीज। हाँ, आपके लिए जो जरूरत है वो मुझे बहुत कुछ पता हो सकता है, सब कुछ कुछ भी नहीं होता, किसी भी टीचर किसी को भी सब कुछ नहीं होता, है ना। तो वो चीज है, आइडियल कोई नहीं है, तो आइडियल सेल। हाँ बोलो बेटा, ई क्या लिखे वहां पे, ये मैं बता रहा हूं अभी, आइडियल सेल क्या है लिख लो, अ सेल हूज इंटरनल रेसिस्टेंस इज जीरो, इट्स कॉल्ड एंड आइडियल सेल। अब बात आप जैसे कह रहे हैं कि व्हाट इज ई, चलो मैं बताता हूं। पहले तो जो है ई क्या है, ई इज कॉल्ड EMF, EMF का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इट मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दिस इज नॉट फोर्स, इट इज नॉट फोर्स, दिस इज वोल्टेज, याद रखिएगा। नाम में फोर्स कंफ्यूज होते हैं बेटा कि फोर्स है, इलेक्ट्रो ये न्यूटन नहीं होता है, ये वोल्ट में होता है, मोटिव फोर्स इसका नाम ऐसा है, है ना। जैसे आप पापा क्या कहते हैं, मान लीजिए आपको पापा को कुछ कहना है, पापा डर रहे हैं तो मम्मी को कहते हैं, मम्मा पापा को फोर्स लगाओ ना, फोर्स है ना, किस चीज के लिए फोर्स लगाओ, मान लीजिए कोई सामान खरीदना है, आपको वीडियो गेम खरीदना है ना, कोई वीडियो गेम खरीदना है, तो आप पापा को मम्मा पापा को फोर्स लगाओ, पापा को फोर्स करो ना कि वो मुझे वीडियो, है ना, पापा से रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मतलब मम्मा फोर्स लगाओ, फोर्स लगाते ले जाके पापा को धक्का दे देती है, बोलो बताओ। या आपको कहीं पार्टी में जाना है, रेस्टोरेंट में जाना है, बहुत दिन से घर में खाते खाते बोर हो, आप कहते हैं मम्मा आप पापा को फोर्स करो ना कि रेस्टोरेंट ले चले खाना खिलाने, तो मम्मा कैसे फोर्स लगाती है पापा पे, बताइए, जाल लेती है, ये लो धक्का मार दिया, हा बोलो, फोर्स लगाती है, बोलो, कभी रिक्वेस्ट कराया है मम्मी से पापा के लिए, नहीं कराया आज तक, हाँ जी बोलो, अरे कैसे बच्चे हो आप लोग बताओ, देव दीतिका रिक्वेस्ट कराते हैं, मनाती हैं, तो कैसे फोर्स लगाते हैं, मनाकर लगाते हैं, एक बार धक्का मार देते हैं, बातों से सर फोर्स लगाते हैं, बातों से सर। एक्चुअली हम जो लैंग्वेज में देख रहे हो ना, लैंग्वेज है आम बोलचाल की भाषा, आम बोलचाल की भाषा में फोर्स वर्ड को हम कई जगह यूज करते हैं, पर हम एक्चुअली में फोर्स नहीं लगाते, है ना, ओके, एक्चुअली फिजिक्स वाला फोर्स नहीं लगाते। तो यहाँ पे आप है तो फिजिक्स, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड फोर्स यूज हुआ वो फिजिक्स वाला हुआ, समझे, यहाँ पे वर्ड फिजिक्स फोर्स नहीं यूज हुआ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फोर्स क्यों यूज हुआ है समझो, क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव का मतलब है यहाँ पर कि जो भी है सेल के अंदर में एक ऐसी फिनोमिना है, सेल के अंदर में एक ऐसा कंस्ट्रक्शन हमने किया है जो कि चार्ज को अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, कैसे फ्लो करता था, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, याद है ना, पॉजिटिव हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता था, मतलब फ्रॉम हाई वोल्टेज टू
लो वोल्टेज. इज दैट क्लियर? बोलो. करंट फ्लोज फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो. क्लियर है मेरा बेटा? लेकिन आप जरा सोचो, मैं अगर यहाँ देखो, मैं एक चीज बताता हूँ, दिखाता हूँ. ये रहा बैटरी, आपने लगा दिया, ये बैटरी लगा दिया, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और बैटरी का ये निगेटिव टर्मिनल. सर्किट रहा तो करंट कैसे जाता है? पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाता है, पॉजिटिव से निगेटिव. तो ऐसे रहता है तो करंट यूं जाएगा. तो रेसिस्टर में तो आप कहते हैं कि यहाँ पे हाई वोल्टेज होगा, यहाँ लो वोल्टेज होगा, क्योंकि बैटरी के प्लस से या माइनस से है, तो वोल्टेज यहाँ ज्यादा होगा, यहाँ कम. लेकिन यही करंट, तो देखो जो करंट ऐसे जा रहा है, करंट कैसे बह रहा है, यहाँ भी तो करंट ऐसे ही बह रहा है बैटरी के अंदर में. बोलो तो बैटरी के अंदर में करंट कैसे बह रहा है, बताओ, हाई से लो या लो से हाई? लो से हाई बह रहा है. लो से हाई, लो से हाई फ्लो कर रहा है. तो निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है करंट, मतलब फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज. अब तुम ये बताओ बच्चों कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज कैसे हो रहा है ना? लेकिन एज पर द नेचर रूल, नेचर के रूल के हिसाब से चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं मेरा बेटा, इलेक्ट्रॉन का जो भी कर रहा है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है. आप मेरी बात को समझिए, इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो ये बताओ करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है? बोलो सूर्य. नहीं सर, उसके अपोजिट है. करंट, मैं करंट की बात कर रहा हूँ ना, तो इलेक्ट्रॉन तो इधर मूव कर रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करना चाहिए था? लो से हाई. लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं? हाई से लो. और करंट कैसे मूव कर रहा है? लो से हाई, उल्टा हो गया ना. बोलो. Yes, हाँ, तुम्हें क्या लग रहा है? यहाँ भी इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है. यहाँ जो हम करंट का इधर डायरेक्शन दिखा रहे हैं, कंडक्टर में क्या है जो मूव कर सकता है, बताओ? कंडक्टर में क्या मूव कर सकता है? वायर, तो वायर है या रेसिस्टर है, ये है क्या? कंडक्टर ही तो है. बोलो. वायर जो है वो कंडक्टर ही ना बेटा? यस सर. यस सर. तो ये बताओ कि अगर वायर कंडक्टर है तो कंडक्टर में क्या मूव कर सकता है? बोलो. इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन. फ्री इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन से वही मूव करेंगे. तो एक्चुअली में चार्ज का मोशन हम देखें तो चार्ज का मोशन तो इधर ही हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर मूव कर रहा है. तो हमने करंट के बारे में बताया था पहले लेक्चर में, अगर पहला लेक्चर का वीडियो अगर आपने देखा हो या देख लिया, उसमें हमने बताया था कि करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, है ना? ओके, रेट ऑफ फ्लो पॉजिटिव चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. या तो करंट का फ्लो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन या निगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में मानेंगे. चले, मैं फ्लो तो इलेक्ट्रॉन ही कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है तो हम मानेंगे पॉजिटिव चार्ज इधर भाग रहा है, उल्टा. तो पॉजिटिव चार्ज का मोशन अगर इधर हुआ तो करंट का मोशन इधर हुआ, करंट क्लॉकवाइज हुआ. समझा बेटा? है ना? बोलो. क्लियर है सुजल? यस सर. हाँ जी. को अगर हम देखें तो करंट आपका, चूंकि करंट ऐसे जा रहा है, करंट पे ध्यान दीजिए, बाकी चीज को छोड़िए अभी, करंट पे ध्यान दीजिए. पॉजिटिव चार्ज का फ्लो, तो एक्चुअली में पॉजिटिव नहीं फ्लो हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में. तो कन्वेंशनली कन्वेंशन मानते हैं, सुनो, कन्वेंशन मानते हैं. अब मेरे पास अगर 1 करोड़ रुपया आ जाए तो मैं अमीर हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा? बोलो. I will become rich. I will become rich. या दूसरा चीज ऐसा हो जाए कि मेरे पास जितने पैसे उतने ही रहे, बाकी लोगों के पास पैसे घट जाए और जितनी भी चीजें बाजार में मिलती है सबका 90% कम हो गया, फिर भी अमीर हो जाऊंगा? अमीर हो जाऊंगा? मेरे पास मान लो 1 लाख रुपए है तो मेरे पास 1 ही लाख रहे, बाजार में जो चीज 1,000 का मिलता था वो 100 रुपए या 50 रुपए का मिलने लगे, स्टिल आई विल बिकम रिच. यस, है ना? स्टिल आई विल बिकम रिच. इज दैट क्लियर? तो वो चीज है, तो वही चीज है, हम उसी तरह से यहां भी देख रहे हैं. इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन को हम मानते हैं पॉजिटिव चार्ज का फ्लो, है ना? अगर पॉजिटिव नहीं भी मूव कर रहा है तो जो निगेटिव का मोशन होगा, निगेटिव के मोशन के अपोजिट को मानते हैं पॉजिटिव का मोशन. याद रखिएगा, कन्वेंशन है, ऐसा माना जाता है ना, और ऐसे ही लिया जाता है. तो वही चीज है. तो एक्चुअली में कंडक्टर में हु इज मूविंग? फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग. तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस मैनर, सो वी से दैट करंट इज मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन लाइक दिस. सो करंट इनसाइड इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. करंट इनसाइड द बैटरी इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. इज दिस पॉइंट क्लियर? बोलो बेटा, बात क्लियर है?
यस सर हाँ जी, तो करंट निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, पर करंट तो पॉजिटिव से निगेटिव जाता है, तो बैटरी में क्यों निगेटिव से पॉजिटिव गया जा रहा है बैटरी के अंदर में, है ना? सो देयर इज सम मैकेनिज्म इनसाइड द बैटरी, देयर इज सम मैकेनिज्म इनसाइड द बैटरी विच इज फोर्सिंग, या फोर्सिंग का मतलब क्या है, वही लिटरल मीनिंग, विच इज फोर्सिंग द चार्ज, है ना, टू फ्लो अगेंस्ट द वोल्टेज, है ना, विच इज फोर्सिंग द करेंट अगेंस्ट द वोल्टेज, दैट क्लियर है ना? एंड दैट्स व्हाई फोर्सिंग, हम लोग जनरल जो है आम डे टू डे लैंग्वेज में हम यूज करते हैं फोर्सिंग, दैट्स व्हाई हम वहां पे क्या नाम रख दिए, जो रीजन है, जो मैकेनिज्म है, उसका नाम हमने रख दिया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. सो एक्चुअली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज एन एडिशनल वोल्टेज विच इज फोर्सिंग द करेंट टू मूव फ्रॉम negative to positive terminal inside the battery. And that phenomena is called electromotive force. ठीक है बेटा, तभी हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, electromotive force के बारे में पहले नोट कर लीजिए, है ना? आइडियल है, आइडियल सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं होता, इंटरनल रेसिस्टेंस जीरो होता है. अब तुम ये बताओ बच्चों, कैसा कौन यूज करेंगे सेल के कंस्ट्रक्शन में कि उसमें रेसिस्टेंस ही ना हो, है ना? ऐसा कौन सा केमिकल यूज करेंगे या ऐसा कौन सा मटेरियल यूज करेंगे जिसका रेसिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो? ऐसा तो होगा ही नहीं, कुछ तो होगा, कम होगा सही, लेकिन कुछ तो होगा, थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस रहेगा, थोड़ा बहुत तो होगा. यानी कि 100% आइडियल कोई भी सेल नहीं होता है, कुछ ना कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, और ऐसे भी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस कम ही होता है ना, 0.5 ओम 1 ओम इस तरह से कम ही होता है, तो कम ही सही, लेकिन होता तो है. इट मींस नो सेल इज cell, practically no cell is ideal cell. So ideal cell is simply a theoretical concept. इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना? वो चीज़ है. Question solve करने में ideal cell देगा, तो ideal cell resistance zero लेके करेंगे. Real cell देगा, तो real cell का जो resistance रहेगा, वो लेंगे. या हो सकता है real cell का resistance निकालने के लिए आपको, है ना? कई बार real cell में ऐसे resistance नहीं दिखाता है. कई बार इसी real cell को ऐसे भी represent कर देता है. सिंपली आइडियल सेल की तरह रिप्रेजेंट कर देगा और लिख देगा 10 वोल्ट 1 ओम. इसका लिखने का क्या मतलब हो गया, 10 वोल्ट 1 ओम लिखने का क्या मतलब हो गया कि ईएमएफ इसका 10 वोल्ट है. इसे लिखने का मतलब हो गया कि ईएमएफ इक्वल टू 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 1 ओम. क्लियर है ना? Yes, तो आपको लगेगा कि आइडियल सेल है, आइडियल सेल नहीं है, क्योंकि यहां लिखा है कि इसका इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम है ना? वो चीज है. कई बार क्वेश्चन में कह भी देता है सेल ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम इज शोन इन फिगर. जब कह रहा है कि इंटरनल रेसिस्टेंस है, तो आइडियल हम कैसे मान लेंगे? याद रखिए कि हमेशा जरूरी दिखाई है, सिंपली ऐसा डायग्राम बनाकर रेसिस्टेंस बगल में भी लिख सकता है ना? तो ये आइडियल नहीं है, ये कैसा सेल है, रियल सेल है. लेकिन अगर इंटरनल रेसिस्टेंस ना लिखे या इंटरनल रेसिस्टेंस जीरो है ना, वही अगर आर जीरो ओम लिख दे या जीरो लिख दे तो आइडियल सेल हो जाएगा. इज दैट क्लियर? चलिए हाँ बोलो. ये बैटरी का रेसिस्टेंस वाले रेसिस्टेंस से पैरेलल कनेक्ट है ना? कहाँ पैरेलल है बेटा, किससे, किस रेसिस्टेंस से? वो दूसरे वाले फिगर में, इस वाले में अगर इसमें रेसिस्टेंस है तो हाँ पैरेलल क्या हो जाएगा, पैरेलल सीरीज अभी हमने पढ़ाया नहीं है, ये एक लूप हो गया है ना. पैरेलल सीरीज का मतलब मैंने समझाया नहीं है तो आपको पता नहीं है पैरेलल सीरीज कहते क्यों. सीरीज में ही रहेगा सर. नहीं, ये सीरीज है या पैरेलल है क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा. ठीक है, पहले ये तो आप जान लें कि पैरेलल और सीरीज कहते किसको. अभी आएगा, पहले इस कॉन्सेप्ट को लिख लो, फिर हम लोग उस पे पहुंचने वाले हैं, है ना? वी विल नो दैट आल्सो, है ना? पहले सेल के बारे में तो जान लीजिए, सेल सेल और रियल सेल, ये दो चीज आपने जाना. चलो किरचॉफ्स लॉ पढ़ाऊंगा मैं, किरचॉफ्स लॉ लिखाने के बाद मैं सीरीज पैरेलल की बात करूंगा, है ना? अदरवाइज समझ में नहीं आएगा. ठीक है, तो सीरीज पैरेलल बेसिकली वी विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास ऑन सैटरडे, है ना? अभी हम आगे की बहुत सारी चीजों को पढ़ लेंगे. ठीक है बेटा, अगले दो क्लास में खत्म ही हो जाएगा, समझे? अगले दो क्लास में मेजर पोर्शन ऑफ द सिलेबस विल बी ओवर. ठीक है, उसके बाद एक या दो क्लास और लगेगा ट्वेल्थ वालों के लिए, है ना? वो चीज है. तो हम लोग आगे की चीजों को पढ़, पहले सीरीज पैरेलल पढ़ने से पहले इन चीजों को जानना जरूरी है कि बैटरी क्या होता है, सेल क्या होता है, ये सब जानना जरूरी है. नहीं तो कैसे लगाओगे सीरीज पैरेलल, वोल्टेज कैसे निकालोगे? कम ऑन, राइट इट डाउन. हाँ हो गया. 12th में आप लोग को
आऊंगा, डोंट वरी। टेंथ में है सीरीज ऑफ पैरेलल। हाँ वो है, वो मुझे भी पता है, लेकिन मीनिंग अभी आप लोग को क्लियर नहीं है, वो मीनिंग मुझे क्लियर करना पड़ेगा कि सीरीज पैरेलल का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। मैं आपको रेसिस्टर दिखाऊंगा पैरेलल में, लेकिन होगा सीरीज में, सीरीज में दिखाऊंगा लेकिन होगा पैरेलल में। तो कॉन्सेप्ट जब तक नहीं समझोगे कि सीरीज पैरेलल कहते किसको है, तब तक आपको लगे समझ में नहीं आएगा कौन पैरेलल है। जैसे आपको यहाँ पैरेलल लग रहा है लेकिन यहाँ सीरीज में है ना, यहाँ ठीक है, वो चीज समझना जरूरी है। और देखो तो सेल के बारे में आपने जाना, ईएमएफ क्या होता है वो पहले लिख लो, ईएमएफ ऑफ सेल, फिर बैटरी जानेंगे। बैटरी के बारे में मैं दोबारा पढ़ाऊंगा है ना, अभी तो बस ऐसे ही डेफिनेशन लिखा रहा हूँ। बैटरी का भी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, सेल्स का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन जिसे हम कहते हैं। EMF of a cell is the maximum value of potential difference, or you can say voltage, that can appear between two electrodes of the cell, okay? Cell bio वाला cell नहीं है, ध्यान रखिएगा, okay? Electricity वाला है। EMF of a cell is the maximum value of potential difference or voltage that can appear between the two electrodes of the cell. Chemistry में भी जो आप cell पढ़ते हैं वो यही है, same चीज़ है electrochemistry में, okay? So EMF of a cell is the maximum value of the potential difference. Potential difference को कहते हैं, again I have written the same thing, इस पे बार-बार मैं emphasis कर रहा हूँ, that can appear between two electrodes of the cell. कब होता है मैक्सिमम? व्हेन द करंट थ्रू द सेल इज जीरो, है ना, याद रखिएगा वोल्टेज। ओके, ऐसा नहीं है, इससे ज्यादा वोल्टेज भी हो सकता है, इस स्टेटमेंट को ध्यान रखो, इससे ज्यादा भी हो सकता है। ओके, तो यहां पे आप जान लो वोल्टेज अक्रॉस द सेल, वोल्टेज अक्रॉस द सेल तो EMF, यानी कि अगर एक से ज्यादा बैटरी होगा तो हो सकता है, सिंगल बैटरी है सर्किट में तब नहीं होगा, है ना, वो चीज है। स्टेटमेंट को मैं बस आपके रेफरेंस के लिए लिखा हूं, डेफिनेशन नहीं है, समझे। EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस द सेल इज इक्वल टू EMF व्हेन करंट थ्रू इट इज जीरो,
क्यों होगा अभी आप समझ जाएंगे थोड़ा थ्रू इट इज जीरो, उसके लिए किरचॉफ्स लॉ आना जरूरी है। तो ये दो पॉइंट आप लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग बेसिक डेफिनेशन जानते हैं, डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ। सर क्लास कब तक है? क्लास 5:30 तक है, 15 मिनट और चलेगा। ठीक है बेटा, सो वी विल कंटिन्यू दिस क्लास टिल 5:30। चलो यहाँ तक पहले नोट करो, फिर डेफिनेशन ऑफ बेटा। देखो अब ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन है जो कि इलेक्ट्रो में आप लोग को जाके क्लियर होता है। द ड्राइविंग फोर्स एक सेकंड, EMF of a cell is the potential difference across its electrodes that is maintained by the driving force, है ना? Driving force का मतलब क्या होगा? जैसे chemical cells में chemical reaction, है ना? जैसे redox reaction आपने पढ़ा है ना? तो redox reaction में से मैंने आप लोगों को voltaic cell के बारे में बताया था। तो वहां पे क्या होता था, क्या कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट दो होते थे, और वो आपका हमने अगर अगर ट्यूब लगा दिया था तो वहां पे रिएक्ट होते थे दोनों ही वेसल्स में, एक आपका वेसल कॉपर सल्फेट का, एक जिंक सल्फेट का वेसल, वहां पे रिएक्शन होता था। तो रिएक्शन वाज द, अदरवाइज क्या होता था, करंट पास करता था, इलेक्ट्रॉन को दूसरी तरफ पास कर देता था। फिर वहां पर अगर अगर सॉल्यूशन से हम सॉल्ट आयन कंसेंट्रेशन मेंटेन करते थे, सॉल्ट और आयन कंसेंट्रेशन मेंटेन करते थे, और उसके बाद फिर से रिएक्शन होता था, फिर से इलेक्ट्रॉन पास करता था दूसरे साइड में। सो एक्चुअली जो है, देयर वाज अ केमिकल रिएक्शन व्हिच वाज टेकिंग सेल, तो रिवर्स रिएक्शन जो आपका अगर अगर के थ्रू होता था, दैट वाज द ड्राइविंग फोर्स दैट वाज मेंटेनिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स टू इलेक्ट्रोड, है ना? तो वो सारी चीजें हैं जो कि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े हैं, तो फिलहाल हमें उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, और ना हमें ईएमएफ के बेसिक डेफिनेशन से हमें कोई मतलब है, क्योंकि एग्जाम में पूछता है तो आप उसको एक तरह से याद रख सकते हैं। ये भी लिखोगे तो नंबर नहीं जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। तो ईएमएफ ऑफ अ सेल इज द पोटेंशियल अक्रॉस इट्स इलेक्ट्रोड दैट इज मेंटेन्ड बाय द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द सेल है ना, ये चीज है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, वोल्टेज बात तो आपको लिखी ली है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। द वोल्टेज अक्रॉस द सेल इज इक्वल टू ईएमएफ व्हेन द करंट थ्रू इट इज जीरो। पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ओके? चलिए तो नोट कर लीजिए बेटा,
इसको नोट कर लीजिए। अब जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको मैं लिखा दूंगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल में समझेंगे। दैट इज किरचॉफ्स लॉ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जितने क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करेंगे हर जगह पे किरचॉफ्स लॉ यूज होगा, है ना। तो किरचॉफ्स के दो लॉ होते हैं सर्किट में, किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, वी विल स्टडी अबाउट दैट। ये नोट कर लिया ठीक है। चलो किरचॉफ्स लॉ से पहले एक चीज और लिख लो, एक लाइन बार बार मैं कह रहा हूं पर दिमाग से निकल जा रहा था लिखाना। सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट है ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिकल सर्किट इज सिंपली अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम एक्टिव एंड पैसिव इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज टू फॉर्म अ फ्लो फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक्टिव डिवाइस का मतलब क्या होता है? एक्टिव का मतलब जो वोल्टेज या करंट दे सकता है सर्किट में, सेल इज सम एक्टिव डिवाइस। पैसिव का मतलब जो सिर्फ एनर्जी खा सकता है, जो कंज्यूम कर सकता है, जैसे रेसिस्टर, रेसिस्टर इज अ पैसिव डिवाइस। और भी एक्टिव और पैसिव डिवाइस होते हैं, बाद में हम लोग जानेंगे उनके बारे में। अभी तो जो आप यहाँ पे दो ही चीज पढ़ेंगे, करंट रेसिस्टर और सेल के बारे में इस चैप्टर में। तो आप यहाँ पे लिखिए अ सर्किट, एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट इज अ नेटवर्क ऑफ सम एक्टिव एंड पैसिव इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, है ना, टू फॉर्म फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बेटा। So electrical circuit क्या है? Electric is an electrical circuit is a network of some active and passive electrical devices to form closed path for the flow of current. है ना? Active device का एक example लिख लो, cell या battery, है ना? Cell battery कह लीजिए, battery क्या है? Combinations of cell is called battery. तो active device क्या हो जाएगा? Active डिवाइसेस। सो एक्टिव डिवाइस में आपका क्या आ जाएगा? अभी आपको एक ही चीज जानना है, सेल हो गया, बैटरी हो गया, ठीक है बेटा, डायनामो हो गया, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, ये एक्टिव डिवाइस है। ओके, ये सारा चीज हो गया, है ना, फिर केमिकल सेल्स हो गए, वो चीज, तो वो सब आपके डिवाइस है, यानी कि सेल या जनरेटर, ये सब एक्टिव डिवाइस होते हैं। पैसिव डिवाइस में कोई भी आपका घर में पंखा लगा हुआ है, क्या है? पैसिव डिवाइस है। बताओ, पंखे से इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं बनता है, पंखा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, ये सब क्या है? पैसिव डिवाइस है, है ना, इलेक्ट्रिसिटी चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम करते हैं, दे आर पैसिव डिवाइस। और जो करता है वो एक्टिव डिवाइस है ना, वो चीज है, यानी कि आपका पैसिव डिवाइस हो गया। जैसे आपके यहाँ अगर बटन जब चार्जिंग हो रहा है उसको खा रहा है, तो वो लेकिन जब लाइन बिजली चली जाती है तो वो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, डिवाइस बन गया, है ना, वो चीज है। लेकिन रेसिस्टर कभी एक्टिव नहीं बनेगा, इन्वर्टर में तो आपका पैसिव बन भी जाता है बैटरी, लेकिन रेसिस्टर कभी एक्टिव नहीं बन सकता। तो पैसिव डिवाइस में आपका जैसे रेसिस्टर हो गया, एक्टिव डिवाइस बेसिकली डिफाइन कैसे होता है? विच कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, है ना, बाय मेंटेनिंग द पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। पैसिव डिवाइस कंज्यूम्स द इलेक्ट्रिकल पावर, दैट इज पैसिव डिवाइस, है ना, वो चीज है। चलिए,
तो एक्टिव डिवाइस पैसिव डिवाइस जानते हैं। अब आइए बैटरी के बारे में, तो आप जानते हैं बैटरी क्या होता है। बैटरी के बारे में मैं अभी बार बार बता चुका हूं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज बैटरी। इसके बारे में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में जानेंगे हम लोग, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कॉल्ड बैटरी। तो बहुत तरह का कॉम्बिनेशन हो सकता है, सीरीज कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो ऐसे खा देते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। जनरली बैटरी का सर्किट सिंबल यही होता है, चाहे सीरीज पैरेलल जो भी हो, सर्किट सिंबल ऑफ बैटरी एक से ज्यादा है तो दिस इज बैटरी। अब आपके मन में आएगा तीन दिखाई या चार दिखाई या दो दिखाई, जितना दिखा दो, दस भी दिखा दो, मतलब एक सेल से ज्यादा सेल दिखा दो इस तरह से, तो दिस इज बैटरी, दिस इज द सर्किट सिंबल ऑफ बैटरी। ओके, और हेवी बैटरी है तो ज्यादा दिखाते हैं, ये भी बैटरी का सिंबल है, ऐसा नहीं है कि ये बैटरी नहीं है। ओके, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप दो दिखाएं, तीन दिखाएं, चार दिखाएं, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव प्लस, तो दीज आर द सर्किट सिंबल ऑफ बैटरी। इसको नोट कर लो बेटा। नाउ यू आर इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड द किरचॉफ्स लॉ, so let us just write the Kirchhoff's law for today's class and in next class we will study them in detail. Yahan tak ho gaya, have you noted it? Yes sir. Chalo beta dekhte hain. ध्यान दो मेरा बच्चा, देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी का सारा खेल, करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर टफ लगता है तो उसका एक ही कारण है, किरचॉफ्स लॉ नहीं क्लियर है ना। अगर किरचॉफ्स लॉ क्लियर है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इजी हो जाता है, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग किरचॉफ्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। KIR Kirchhoff's law. So we are talking about Kirchhoff's law. What is this Kirchhoff's law? दो तरह का Kirchhoff's law में दो पार्ट होता है ना। Kirchhoff's के और भी लॉ होते हैं, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, Kirchhoff's law electrical circuit, electrical। अब सब हर एक साइंटिस्ट बहुत जगह काम किया रहता है तो ये जो काम सर्किट में किए हैं उसकी बात करते हैं। वैसे किरचॉफ्स का नाम ज्यादा फेमस इसी के लिए है, किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए, बाकी तो कुछ खास नहीं उतना फेमस है। सो किरचॉफ्स का नाम जो है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट के किरचॉफ्स लॉ के लिए ही फेमस है। के लॉ होते हैं, देयर आर टू लॉज है ना, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। One is called Kirchhoff's current law. बहुत सारे नाम होते हैं इसके, शॉर्ट में इसको आप कहते हैं KCL, Kirchhoff's current law, KCL, है ना। This is also known by the name of Kirchhoff's Junction's law. जंक्शन लॉ, ये दोनों नाम आपको 12th क्लास में को मिल जाएगा, आज भी मिल गया। एक और नाम है जो कि आप जब कॉलेज में जाते हैं इंजीनियरिंग करते हैं तब आपको मिलता है, किरचॉफ्स नोडल लॉ, किरचॉफ्स। ये लिखना मत, बोर्ड वालों के लिए सख्त हिदायत है, लिखना मत ये नाम, ठीक है, वाले नहीं समझेंगे, ये नाम लिखना मत, समझा बेटा, ये नाम मत लिखना। किरचॉफ्स नोडल लॉ सुना भी नहीं होगा कई टीचरों ने, ठीक है, इसलिए ये नाम मत लिखना, ये इंजीनियरिंग में आप लोग पढ़ते हैं। ओके, यहां नाम है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स
वोल्टेज लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड KVL. KVL इज अ फेमस नेम, सबसे ज्यादा फेमस है दोनों KCL KVL है ना नाम. और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड Kirchhoff's loop law है ना. उसी तरह से इंजीनियरिंग में आप पढ़ते हैं Kirchhoff's mesh law, इसी का नाम है. ये भी नाम मत लिखना आप लोग, mesh law है ना, ये भी नाम आप लोग मत लिखना, समझा, याद रखो. बस आपके इंटरेस्ट बताया है कि यह भी नाम होता है, लास्ट के नाम आपको नहीं, मतलब अभी लिख सकते हो, एग्जाम में मत लिखना, ठीक है. बेस्ट है पहला वाला लिखो, ये भी नाम एनसीईआरटी में होता है तो ये भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना. चलिए अब ये लॉ कहता क्या है ना, ये लॉ कहता क्या है, मैं दोनों का स्टेटमेंट लिख देता हूं, अगले क्लास में इसको एक्सप्लेन करूंगा. बस स्टेटमेंट लिख देता हूं, Kirchhoff's करंट लॉ कहता है द नेट इलेक्ट्रिक करंट कमिंग टुवर्ड्स अ जंक्शन इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक करंट करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, अवे फ्रॉम द जंक्शन है ना. इसी का दूसरा स्टेटमेंट ऐसे भी होता है, अगर आप तो और करके लिख लो नीचे में, है ना, द अल्जेब्रिक सम ऑफ और करंट एट अ जंक्शन इज जीरो है ना. ये सब मैं समझाऊंगा अगले क्लास में. और ये क्या कहता है, Kirchhoff's वोल्टेज लॉ कहता है द नेट वोल्टेज ड्रॉप वाइल मूविंग इन अ क्लोज्ड लूप मूविंग इन एनी closed loop of an electrical circuit is zero. ठीक है मेरे बच्चों, ये दोनों आप लोग लिख लो, इस पे हम लोग एक्सप्लेनेशन अगले क्लास में करेंगे, है ना. एक छोटी सी बात रह गई है कि हमने रेसिस्टर में वोल्टेज देखा ना, वोल्टेज अक्रॉस बैटरी या सेल कैसे देखते हैं वो रह गया है, तो वो मैं बताते हुए फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा, बल्कि फिर मैं वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर वोल्टेज अक्रॉस समझाते हुए 2 मिनट लगेगा, फिर मैं इस पे आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि हाउ कैन वी यूज द Kirchhoff's लॉ फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो मैंने आज पढ़ाया है अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये सारी चीजें अगले 2 क्लास में यूज होगी जब हम लॉ को समझेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को करेंगे. ठीक है बच्चों, Kirchhoff's लॉ जब आप समझेंगे तभी आपको सीरीज पैरेलल अच्छे से क्लियर होगा, उसका मतलब समझ में आएगा, बैटरी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ओके. और आगे जो भी आपका टॉपिक आएगा वो क्लियर होगा. प्लीज इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट कि आप सभी कोई आज का लेक्चर अच्छे से रिवाइज कर लेना, पीछे के 2 लेक्चर तो करिए ही करिए, आज का लेक्चर खास करके अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत काम आने वाला है आगे के क्लासेस. ठीक है बेटा, सबको क्लियर है इतनी बातें, एक्सेप्ट Kirchhoff's लॉ, Kirchhoff's मैं अगले दिन क्लियर करूंगा, बाकी सब कुछ क्लियर है, बताइए. यस सर, क्लियर है. चलो ठीक है, तो आज इसको आप नोट कर लीजिए एंड आई एम गोइंग टू प्ले हियर इटसेल्फ. ओके बच्चों, कम ऑन डू इट.
प्लीज कंप्लीट योर नोट्स. Please complete the notes quickly. Oh, yeah, sir.